ओवल में भारत ने दर्ज की धमाकेदार जीत और अब सीरीज जीतने के लिए रोहित ब्रिगेड होम ऑफ क्रिकेट यानी लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट फैंस की नजर विराट कोहली पर होंगी, जिन्हें पहले ओडीआई में ग्राइन इंजरी की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा। ऐसे में अब सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या लॉर्ड्स में विराट कोहली प्लेइंग 11 में नजर आएंगे? क्या है विराट की लेटेस्ट फिटनेस अपडेट? लेकिन अगर इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो ये विराट कोहली और उनके तमाम चाहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आखिर विराट कोहली की फिटनेस को लेकर क्या है ताजा जानकारी और क्या दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में विराट कोहली होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा? ये सब जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम गुरुवार को लॉर्ड्स में दूसरे एक दिवसीय मैच में एक बार फिर इंग्लैंड पर दबदबा बनाने की उम्मीद से मैदान में उतरेगी। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया अब दूसरे मुकाबले को जीतकर ही सीरीज रफा दफा करना चाहेगी। लेकिन इस मुकाबले में भी भारत को अपने सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली की सेवाएं नहीं मिलते हुए नजर आ सकती हैं, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राइन इंजरी के कारण विराट कोहली का इस मुकाबले में भी खेलने पर संदेह बना हुआ है। कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि विराट को हैमस्ट्रिंग की भी शिकायत है और उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। इसी वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट फिलहाल विराट कोहली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और पूरी तरह से फिट होने के बाद ही विराट हमें ग्राउंड पर वापस खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए अभी लॉर्ड्स में विराट कोहली का प्लेइंग 11 में खेलना पक्का नहीं है। कोहली के खराब प्रदर्शन का हालांकि सीमित ओवरों के मुकाबले में भारत पर अधिक असर नहीं पड़ा है, क्योंकि टीम वनडे और T20 दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला में 2-1 से जीतने के बाद भारत ने मंगलवार को पहले वनडे में 10 विकेट की आसान जीत दर्ज की है। लेकिन विराट कोहली की फिटनेस अब उनके करियर की राह में रोड़ा बन सकती है, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे बल्लेबाजों को खुद को साबित करने का मौका मिल जा रहा है और फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को गेम टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ इस बार विराट की गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर के पास खुद को साबित करने का मौका होगा, जो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। वैसे सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि खबरों के मुताबिक वेस्टइंडीज में होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज भी विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है और इसकी पूरी संभावना है कि विराट वेस्टइंडीज जाने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से विराट का जल्द से जल्द फिट होकर फॉर्म में आना भारतीय क्रिकेट के लिए काफी अहम रहने वाला है, लेकिन अभी के लिए इसके आसार तो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली अपने खोए हुए फॉर्म को वापस हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।